हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की 10 बेस्ट केपीआई के बारे में जो हमें जानना चाहिए। बेसिकली ये 10 10 मैन्युफैक्चरिंग की केपीआई हैं, तो वन बाय वन हम इनमें डिस्कशन करेंगे। जो पहली केपीआई है वो है प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है कि मेजरली जो हमें टारगेट दिया गया है क्या हम उसे अचीव कर पा रहे हैं। सबसे पहली मेजर केपीआई, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का बंदा है तो उसको अगर मान लो 1000 बनाने का कुछ टारगेट मिला है, क्या उसने 1000 बनाया नहीं बनाया, फर्स्ट केपीआई पॉइंट ये हो गया। अभी दूसरा जो पॉइंट चलता है वो चलता है साइकिल टाइम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइकिल टाइम क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम प्लस इंस्पेक्शन टाइम प्लस मूव टाइम। तो ये सब साइकिल टाइम के अंदर आ गए। और साइकिल टाइम के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह से साइकिल टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। साइकिल टाइम कैलकुलेट करने का जो बेस्ट तरीका है, प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोड्यूस क्वांटिटी, तो साइकिल टाइम आ जाएगा। जी हाँ, जैसा कि हम बात करें, लेकिन ये हम स्टैंडर्ड कंडीशन में एक बार कैलकुलेट करते हैं कि हमने 1 घंटे में किसी पार्ट का प्रोडक्शन किया, उस बंदे ने वो पार्ट को 60 बनाया, तो जो साइकिल टाइम है हमारा वो 1 मिनट आ गया। तो हम बैक चलते हैं अभी, मतलब हम जानने की कोशिश करते हैं, अगर हमारा साइकिल टाइम 1 है तो यानी घंटे में 60 बनने चाहिए। तो क्या हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे जो हमने लिया था प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो क्या हम वो 60 बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, जो हमने बोला था मेजर पॉइंट है। तो ये बड़ा मेजर पॉइंट है, मतलब सब पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेट है। जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी और साइकिल टाइम हो गया। अभी दूसरा आ गया है टेक टाइम। टेक टाइम भी ऑफकोर्स साइकिल टाइम से हमेशा कम होना चाहिए। टेक टाइम क्या होता है ये भी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का केपीआई है कि भाई मान लो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है 24 पीस और हमारे पास अवेलेबल टाइम है 24 घंटे, तो टेक टाइम कितना हो गया, 1 घंटा हो गया, और हम वो बना पा रहे हैं मान लो 12 घंटे में, तो यानी हम प्लस साइड है, हमारी कैपेसिटी अभी भी खाली है। तो टेक टाइम थर्ड पॉइंट हो गया। फिर आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर। तो देखिए ये भी अब सब चीजें देखो कॉस्ट से रिलेटेड है कि इन्वेंट्री भी हमारे पास ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो जैसे ये अब अच्छा लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो इसका कुछ रेशियो हमारे कस्टमर के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं कि हमें इन्वेंट्री मिनिमम रखनी है 2 दिन 4 दिन या 1 घंटा 2 घंटा, जैसा भी हमारी कस्टमर के साथ बात होता है। अभी ROA, रिटर्न ऑफ असेट्स, ये भी KPI का ही पॉइंट है। यानी अगर हम बोलते हैं एक मैनेजमेंट को कि हमें एक मशीन खरीद के दो और पता हम उससे जो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं उससे ROI नहीं आ रहा है, उसका रिटर्न नहीं आ रहा है, तो ये भी हमें कैलकुलेट करना चाहिए ROI भी। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं फर्स्ट पास यील्ड, यानी जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ओके होने चाहिए फर्स्ट टाइम में। तो ये भी एक KPI का ही पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं यील्ड फैक्ट्री, यानी जो हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कितना है। तो ये भी एक यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्शन सिर्फ 1 महीने में 2 दिन का है तो भी हम फैक्ट्री नहीं चला पाएंगे। और ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे ओवर प्रोडक्शन मतलब ओवर रिक्वायरमेंट हो गई, यानी हमारे पास 30 दिन है और हमारे पास हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी डिमांड ज्यादा आ गई, यानी 60 दिन की आ गई। तो वो सब हमें बैलेंस करके रखना है। अभी OE ये सब निकालते हैं, तो ओवर ऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी जनरली ये हायर साइड में ही होनी चाहिए, 80% 85%, इवन कुछ कंडीशनों में तो लोग 90% तक भी जाते हैं। तो ये सब कैलकुलेट करने के बेसिक फॉर्मूले ऑलरेडी मतलब हम सब जानते हैं, या हर कंपनी में अलग अलग तरीके से OE कैलकुलेट होती है। ऑन टाइम डिलीवरी सबसे मेन, कस्टमर को क्या चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट जो हमने बात की थी फर्स्ट टाइम पास, और टाइमली प्रोडक्ट। तो ये दोनों भी KPI, जो KPI का जो मेन पॉइंट है ये, इसमें भी ऑन टाइम डिलीवरी का भी आना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर ये लास्ट पॉइंट है कि हमें कॉस्ट पे भी बात करनी चाहिए कि हम कितना कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। यानी जैसे अभी हमने बात की थी कि हमारा जो साइकिल टाइम हमने अगर कैलकुलेट किया था कि हमारा साइकिल टाइम 1 मिनट आ रहा था, तो हम अब क्या करें कि वो घट के 60 सेकेंड रह जाए, ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट करें। तो वो भी हमें मतलब कैलकुलेट मतलब करना आना चाहिए कि
किस तरह से हम उसे कम कर सकें, तो वो आता है कॉस्ट में। तो मेजरली जो ये 10 इंडेक्स में हम पॉइंट देख रहे हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग के 10 KPI हैं, और ये हर किसी को मतलब अपने लिए सीखना भी चाहिए और अपने KRA में ऐड भी करना चाहिए। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वीडियो था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।